आप वो फिर भी इनकी पूंछ पकड़ के चलते रहे और स्थिति आपके सामने स्पष्ट है। ये एनजीटी का मामला है। हम फिर है इस देश सबके अच्छा मन चुके ये किसान यूनियन का जो संयुक्त किसान मोर्चा का रेल लोको आंदोलन था, इसमें यहाँ थाना मंसूरपुर खतौली में इनका रेल लोको आंदोलन था। लगभग 11 बजे के आसपास, 11:30 के आसपास ट्रेन थी, उसको रोका गया था। और हालांकि ट्रेन को इन्होंने ओके कर दिया था, हमारे ट्रैक पे कोई किसान नहीं बैठे थे, उनके द्वारा कहा गया था कि ट्रेन को निकाल दिया जाए, ले हम लोग ट्रैक पे नहीं बैठेंगे, हम लोग साइड में बैठेंगे। बट रेलवे कंट्रोल को संभवतः ऊपर से जो निर्देश था कि अभी सिक्योरिटी की दृष्टि से या किसी दृष्टि से उन्होंने इसको रोक रखा था। और खतौली और आगे सकोही तक बात हो गई थी कि ट्रेन नहीं रुकनी है, बट स्वच्छता दृष्टि से रेलवे कंट्रोल ने रुका था। और इन्होंने अभी अपना एक ज्ञापन दिया है जिसमें कृषि कानून के विरोध में और लखीमपुरी कांड की जांच के विरोध में जो भी ज्ञापन है वो ज्ञापन दे दिया है, उनका यहाँ पर धरना समाप्त हो गया है। कितनी ट्रेनें प्रभावित हुई है? अभी इस पर एक ही ट्रेन थी और बाकी जो ट्रेन है वो सभी पंजाब में सेटल्ड हैं, लेकिन अब जाम खुल गया है और ट्रैक पहले से खुला हुआ था, लेकिन रेलवे कंट्रोल ने अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से उसको अभी रोक रखा था। अब इसमें खुल गया है, संचालन चालू हो जाएगा। मेरा नाम आशी है। मानसी आप कहाँ से आ रही हो? मैं सहारनपुर से आ रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं गाज़ियाबाद जा रही हूँ। तो अभी ट्रेन कहाँ रुकी, कब से रुकी हुई है? यहाँ मंसूरपुर में ट्रेन रुकी हुई है करीबन 11:15 से, तो यहाँ पे हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सब लोग यही बोल रहे हैं कि 4 बजे चल जाएगी, पहले बोलते हैं चलेगी पर 4 बजे भी अभी श्योरिटी नहीं आ रही है। जानकारी मिली क्यों रुकते हैं? किसान आंदोलन की वजह से लोग बोल रहे हैं कि जो खतौली वाला पुल है उस पर भी सारे किसान लेटे हुए हैं, तो अभी कुछ उससे ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। जिस तरह से ये किसान यूनियन जो है प्रोटेस्ट कर रही है, क्या मतलब सही है ये? मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि जो आम जनता है उसको सफ़र करना पड़ रहा है। लाइक अभी हम, मैं या किसी को इमरजेंसी होती है तो लोग नहीं जा पा रहे हैं, और ट्रेन तो एक ऐसा साधन है जो सब यूज़ करते हैं, तो हम भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। अब देखो 6 घंटे का कम टाइम नहीं होता। कितना जरूरी काम था, बहुत से लोग जरूरी काम होता है लाइक किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को एग्ज़ाम देने जाना होता है, तो उस चीज़ में हम लोग जैसे सुबह ट्रैवल करते हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो अब पहुँचने में हमें भी देरी हो रही है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। घर वाले भी चिंता में है, जैसे मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सतेंद्र मुखियारी की तरफ से यह अनुदान है यात्रियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। दो पॉइंट बनाए मुजफ्फरनगर में माने टिकैत साहब के आदेश पर, मंसूरपुर और खतौली। माने टिकैत साहब का कहना यह है कि जनता परेशान हो, हमें दिक्कत हो, आप लोग सब जगह ना रेल रोक हैं, सब जगह दिक्कत होगी, आप लोग यहाँ रोक हैं। उन्होंने टाइम भी कम कहा कि कम टाइम रोक हैं। ये है मामला, दो पॉइंट मुजफ्फरनगर में यहाँ है और खतौली में। ये ठीक 10 बजे धरना शुरू हो गया था, ट्रेन रोक दी गई थी, और पूरे भारत में ही ट्रेन जगह जगह रोक रखी किसानों ने, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर। सरकार के जिस तरह से रवैया है, आगे भी क्या आंदोलन इस पर करेगा? हमें लगा सरकार ने भी जोर ज़्यादा बोल दिया, ये सरकार हत्यारी है, आंदोलन को कुचलने के लिए ये षड्यंत्र करे जा रहे। 8 लोग मार दिए गए लखीमपुर में,
सरकार द्वारा 8 लोगों की हत्या करी गई लखीमपुर में। सिंघू बॉर्डर पर क्रम कांड करवा दिया और कई तरीके के टकराव करवा दिए। ये इस तरह के षड्यंत्र पर सरकार आएगी। हम चाह रहे थे कि एक महीने दो महीने जब हो गए थे, बातचीत चलती रही, बारह दौर की वार्ता चली, हम चाह रहे थे कि समस्या निमट जा, कुछ भी कर ले। माने टिकैत साहब ने कहा था नरेश जी ने, भाई वार्ता कर ले, कुछ 19-20 हम जैसे भी कर लेंगे मामले, कुछ निपटाओ, किसान अपने घर चले जाएगा। पर सरकार नहीं चाहती कि फैसला हो। रणनीति तो चक्का जाम, रेल रोकना, पुतले जलाना, ये सब आह्वान है संयुक्त मोर्चा का। जो भी अगला आह्वान होगा, मेरा कहना तो यो है, मेरा मानना भी वही है कि आंदोलन उग्र होगा। जैसे रेल रोको आंदोलन है, इससे भी कोई उग्र आंदोलन की आगे घोषणा होने वाली है अगर सरकार जल्दी ना मानी तो। देखो जी, हमारा तो जो आदेश चलता है वो संयुक्त किसान मोर्चा और आदरणीय राकेश टिकैत जी का चलता है। वहाँ से उनका आदेश हुआ और ये प्रोग्राम 2 बजे तक का हुआ।